तो विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद दिलचस्प राजनीति शुरू हो गई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिख रही है और इसके बाद बीजेपी के नेता जोश में हैं। बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि बीजेपी को 120 से 130 सीटें आएंगी, सीएम कौन बनेगा। इस सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सीएम के कई उम्मीदवार हैं, पीएम मोदी चौंकाने वाला फैसला लेंगे। अभिषेक उपाध्याय ने किरोड़ी लाल मीणा से बात की। हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, 3 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार मैदान में हैं और जो इनकी छवि है वो यहाँ पर जूझने वाले नेता की छवि है। और जब जूझने की बात आती है तो डॉक्टर साहब किसी की नहीं सुनते हैं, जो आपके बारे में ये सही बात है। अंतरात्मा की आवाज़ से जो दिल ने कहा वही होगा। सामने वालों को न्याय दिला के रुकता हूँ, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का। बात बताइए कि सीधा शुरुआत इसी से कर देते हैं कि आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल जो आए हैं आपने देखा, कुछ कांग्रेस की बढ़त, कुछ बीजेपी की बढ़त, आपको क्या लग रहा है? देखो, मेरा जो जहाँ से मैं आता हूँ पूरी राजस्थान का एक हिस्सा है। पूरी राजस्थान वैसे 83 सीटों को माना जाना चाहिए, 38, लेकिन एक हिस्से में पिछली बार 2018 में 28 सीट में से मात्र 1 सीट हमारी आई थी। इस बार कितना? इस बार 20-22 सीटें आएंगी। टोटल कितना उम्मीद कर रहे हैं आप 199 में? मैं 120 प्लस बट की 130 तक पहुंचने का 130 तक इसलिए मानता हूं कि जहां 2018 में 1 सीट आई वहां 20 सीटें आ रही हैं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आप तो खरी खरी बातें कहने के लिए विख्यात हैं। 130 का जो बहुमत अगर आएगा वो तो बड़ी मेजोरिटी होगी, तो सीएम चेहरा कौन? देखो, आप जानते हो सब जगह केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी तय करते हैं, वो जो तय करेंगे वो सीएम होगा। लोग कहते हैं इनके सीएम बहुत हैं, तो बहुत अच्छी हेल्दी परंपरा है कि हमारे इतने सीएम हैं। सीएम बहुत हैं मतलब? सीएम के उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स बहुत हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन है, इसका स्वागत करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो बीजेपी में सीएम के ज़्यादा उम्मीदवार हैं ये अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है कि एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी हमारे पास है। वहाँ तो केवल गहलोत साहब हैं, एक पायलट जो हैं उसको भी उन्होंने दफना दिया है, उनको भी नकारा कहा, गद्दार कहा। तो बीजेपी में जो सीएम के कई उम्मीदवार हैं उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं हूँ कि मैं तो 72 प्लस हो गया, उम्र के हिसाब से भी नहीं हूँ। दूसरा, मैं स्वाभाविक रूप से मैं सेवा में भरोसा करता हूँ। कर्मण्यवादी कार्यसु मा फलेसु कदाचन, इस पर काम करता रहता हूँ। सत्ता हो, आप इस रेस में नहीं हैं? हाँ, मैं इस रेस। आपकी राय तो आप बता सकते हैं, आप क्या चाहेंगे, कुछ नया चाहेंगे आप, कुछ नया चेहरा सामने आए? केंद्र अगर पूछेगा हमसे राय लेगा, जो आमतौर पर लेता है, तो निश्चित रूप से हम उनको राय देंगे। दर्शकों के लिए भी तो बता दीजिए, दर्शकों का भी तो आपका एक रिश्ता जुड़ाव है, वो भी जानना चाहेंगे आपकी राय। वो दर्शक तो अपने आप बोलेंगे, जिसकी बोलेंगे वही चेहरा यहाँ पर आएगा, आना चाहिए। क्या कुछ नया आप देख रहे हैं? हाँ, कुछ न कुछ। आप जानते हो प्रधानमंत्री जी चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो चौंकाने वाले फैसले की जानकारी सर्वसाधारण को नहीं होती, मेरे को भी कैसे होगी? मतलब चौंकाने वाला फैसला होगा ये लग रहा? बिल्कुल आएगा, प्रधानमंत्री जी का चौंकाने वाला फैसला आएगा सीएम को लेकर। मुझे एक बात और समझा दीजिए, आपकी लाल डायरी का इशू आपने उठाया, पेपर लीक का इशू आपने उठाया, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो ये सब मुद्दों का कुछ निपटारा होगा? देखो, मैं आपको बताऊँ, जितना भ्रष्टाचार इस शासन में फैला है, चाहे DOIT हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे माइंस हो, चाहे पोषाहार हो, चाहे खुद गहलोत परिवार का गड़बड़ घोटाला हो, वो सब हम उसमें, मेरा पार्टी, मैं विशेषकर इन सब मुद्दों को उजागर करके पार्ट सत्ता माने के बाद इन पे कार्रवाई कराएंगे। आखिरी सवाल, क्या कार्रवाई? आपने गहलोत परिवार के घोटाले की बात कही, क्या कार्रवाई कराएंगे? देखो, ऐसा है, सुरेश ढाका आज तक नहीं पकड़ा गया पेपर लीक का, है सुभाष गर्ग के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सुभाष वो जो अपना डुटासरा था गोविंद, उन पर मैंने आरोप लगाया था, उनको पूछा था। पूछ रहा हूँ कि कार्रवाई क्या कराएंगे? देखो, आपने मछलियाँ तो डाल दी लेकिन मगरमच्छ छोड़ दिए। राजस्थान के 1,12,00,000 बच्चों के साथ घात किया, विश्वासघात किया। मगरमच्छों पर एक्शन होगा तो जो राजस्थान की युवा पीढ़ी है वो हमारे साथ, हमारी पार्टी पे भरोसा करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो इस बात के लिए विख्यात हैं कि सरकार किसी की भी हो मुद्दों के लिए भिड़ जाते हैं, और इनका क्लियर कहना है कि सीएम को लेकर पीएम चौंकाने वाला फैसला करेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी और करप्शन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, पिछली सरकार के सीधा कह रहे हैं। कर्ण राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP News, जयपुर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।